किसने की हम यहाँ पे? किसी ने नहीं, हमने बस गेस कर लिया। तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। हमारी जासूसी कर रहे थे ना, क्योंकि हमें पता चल गया है और हम तुम्हारे पापा का पर्दा फाश करने वाले। निकल। क्या कह रही हो तुम? हाँ, गवाह है हमारे पास कि वो नकली दवा की फैक्ट्री तुम्हारे पापा चला रहे थे। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है काव्या। अच्छा, बात अब तुम्हारे पापा पे आ गई है तो हमें गलत फहमी हो गई है। जैसे जैसे गिरिराज प्रधान तो दूध के धुले हुए हैं ना। अग्नि की कसम खा के बोलते हैं, क्या अपनी धर्म पत्नी के सर पर हाथ रख करके बोल रहे हैं कि हमारा गवाही के कारोबार से सीमा चौधरी के साथ कोई लेना देना नहीं था? लेकिन हमारे पापा हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि यही उनकी असलियत है आदि, यही असलियत है उनकी। पहली बार नहीं हुआ है कि गिरिराज प्रधान ने कोई गैर कानूनी काम किया है। तुम्हें याद है पहले उन्होंने क्या किया था? ओमी भैया के जुर्म को छुपाया था, बड़ी अम्मा और अनुराग का साथ दिया था, और तुम ये भी भूल गए हो कि तुम खुद कितने सालों तक उन्हें नेताजी बुलाते थे, पापा नहीं। काव्या, लेकिन तुम बात को समझ नहीं रही हो। हमारे पापा ने हमारे सामने कसम खाई थी। देखो, हम जानते तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, लेकिन शायद इस बार तुम हमारे पापा को गलत समझ रही हो। हाँ, हम गुस्से में हैं आदि। पिछले 3 सालों से हम उनके गुनाह की सजा काट रहे हैं, उनका इल्जाम हम अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। हर दिन हर पल अपने बच्चे की मौत के दर्द में तड़प रहे हैं हम। तो हाँ, हम गुस्सा है। हमारे पापा हमारे बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं। उसके अपने दादा ने उसका खून कर दिया। ये बात सुनकर तुम्हारा जरा सा भी खून नहीं खोल रहा है? यही सजा है हमारी। काव्य, हमने जो तुम्हारे साथ सलूक किया है उसकी सजा हमें मिलनी ही चाहिए। काव्य, जब हम दोनों अलग हुए ना, हमारे पापा ने हर कदम पे हमारा साथ दिया। जिंदगी में पहली बार हम इतने करीब हैं जैसा पहले कभी नहीं आए। हम हमें लगा कि अब जाकर हम एक दूसरे को समझने लगे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सब झूठ है, धोखा है ये सब। हमारे पापा ने हमारे खुशियों का गला घोट के हमें गले से लगा दिया। हम इतने अंधे थे कि हम उनके धोखे को देख नहीं पाए। यही सजा है हमारी, यही सजा है हमारी। कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता काव्य, इसे हमारे बाप ने हमारे साथ किया है। खुद को बचाने के लिए उन्होंने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, हमारा बच्चा हमसे छीन लिया उन्होंने। कौन करता है ऐसा? अपने जुर्म छुपाने के लिए अपने बेटे की आहुति दे दी उन्होंने। कौन करता है ऐसा? गिरिराज प्रधान इंसान नहीं, हैवान है वो आदमी, और उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी।
उनकी गुनाहों का सबूत हम ढूंढेंगे। उसकी गुनाहों की सजा हम उसे दिलवाएंगे। प्लीज ध्यान से, वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये हमारे लिए नहीं है, हमारे बच्चे के लिए है। इस बार अपना वादा मत भूलना। प्लीज सर। शुक्र है बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। बेटा आदि क्या था कि हमारे पास फोन आया था धमकी भरा कि अगर हम यहाँ नहीं आए वो तुमको मार देंगे। तो बेटा हम दौड़े चले आए। जानते हैं वो धमकी देने वाले हम ही थे। क्या हमने आपको यहाँ बुलाया है आपके इस जासूस से खिलवा के? हमें बचाने नहीं आए हैं, खुद को बचाने आए हैं नेताजी। क्योंकि आप एक मुजरिम है, नकली दवाइयां बेचकर अपने मासूम बच्चों का खून किया है। हमारे बच्चे के कातिल हैं आप, अपने पोते के कातिल हैं आप। अरे आपके लिए मौत की सजा भी कम है। बेटा देखो, हमने ये कुछ भी ऐसा नहीं किया बेटा। हम सच बोल रहे हैं, हमारा यकीन करो। देखो वो सीमा चौधरी ने किसी को वार्ड बॉय बना करके नकली दवाइयां भेजी थी काव्या के पास। बेटा हमने ये कुछ भी नहीं किया, हम इसमें शामिल नहीं है। हमारा विश्वास करो। हमारे चुप, आपको पाप कहते हुए शर्म आ रही है हमें। बाप वो होता है जो अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है, उसे कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाता है। जब वो गिरे तो उसे संभालता है, चोट लगे तो उसे सहलाता है, अगर वो गलती करे तो उसे डांटता भी है। ये पहला बाप होगा जो अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी हर खुशी का गला घोट देता है। अरे आंसू पोछता तो दूर, उसे जिंदगी भर तड़पने के लिए मजबूर कर देता है। पहला बार जो अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने बेटे को नरक की आग में झोंक देता है। इससे अच्छे तो मनाती होते हैं। बेटे आदि सही कह रहे हो बेटा, हम बहुत कमीने हैं बेटा, हम इंसान भी कहने के लायक नहीं है। लानत है ऐसे बाप पर। मगर हाथ जोड़कर हम तुमसे बोलते हैं अपने दिल की बात। बेटा हमने सारे गलत काम बंद कर दिए हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं बेटा, सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप
फिर से झूठ बोल रहे हैं? आपने अभी अभी गोली चलाई, किसी की जान लेना गलत नहीं होता बेटा। वो तो तकिया था बेटा, आपको पता था वहां पे तकिया रखे हैं? जान देते हैं आप? जानते हैं नेताजी, एक पापी से भी नीच और गिरा हुआ इंसान कौन होता है जिससे अपने पाप का एहसास ही नहीं होता। सही कह रहे हैं, आपसे इंसानियत की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए क्योंकि आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आज से आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। आज से हम आपके लिए वो है जो आपको आपकी किए की सजा जरूर दिलवाएगा। किस बात के लिए सजा दिलवाओगे बेटा? हमने तकिए पे गोली मारी इसलिए, या उस आदमी से गवाही दिलवा कोई? राजनीति में तो आजकल सब एक दूसरे की जासूसी करवाते हैं, और फिर उस आदमी से गवाही कैसे दिलवाओगे बेटा? क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने गवाही दी तो वो क्या झेलेगा। तो मेरे बेटे, किस तरह से हमें सजा दिलवाओगे तुम, बोलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।